करते, कभी कभी फंबल सबसे होते हैं, सबके रीटेक्स होते हैं, किसी का भी वन टेक नहीं होता। मैं रो रहा हूँ, मैं शुरू से रो रहा हूँ। इमोशनल सीन्स उनके साथ आपने देखा या हमेशा से ही अच्छे हुए हैं। सो गाइस, ये रिश्ता क्या कह रहा था कि शो से बाहर निकलने के बाद शहजादा धामी का आया है बड़ा रिएक्शन, और शो के मेकर्स को लेकर, अब प्रोडक्शन हाउस को लेकर बड़ी बात करते हुए नजर आए हैं शहजादा धामी। तो दोस्तों, क्या कुछ कहा है शहजादा धामी ने आखिर अपने इस लेटेस्ट इंटरव्यू में, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरे डिटेल में। तो चलिए फिर देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अभी हाल में ही जो है ये रिश्ता क्या कह रहा था कि न्यू जनरेशन लिप जो है स्टार्ट हुई थी, और लोगों को समृद्धि शुक्ला और शहजादा धामी की जोड़ी काफ़ी पसंद आ रही थी, और अभीरा और अरमान की जोड़ी को स्पेशली काफी पसंद किया जा रहा था शो में। पर इसी बीच जो है कल जो है आया काफी शॉकिंग न्यूज सामने, बताया जा रहा है कि अरमान अरोही को जो है शो से आउट किया जा रहा है, और अब जो है शहजादा धामी का आया है बड़ा रिएक्शन इसको लेकर। शहजादा धामी ने फाइनली जो है कंफर्म कर दिया है कि वह जो है शो छोड़ रहे हैं। शहजादा धामी का कहना है कि प्रोडक्शन हाउस की तरफ से और मेकर्स की तरफ से जो है काफी प्रेशर दिया जा रहा था उन्हें, और वो जो है अपने पर्सनल लाइफ की और जो है ध्यान भी नहीं दे पा रहे थे, ठीक से जो है अपने पर्सनल लाइफ को जो है इंजॉय भी नहीं कर पा रहे थे, नहीं दे पा रहे थे खुद को। इसी वजह से जो है उनका जो है प्रोडक्शन हाउस के साथ जो है थोड़ा अनबन सी हो गई, और जिसकी वजह से जो है अब मेकर जो है गुस्सा हो गए, अब मेकर जो है उन्हें आउट कर। शहजादा धामी जो है ये सारी बात कह के काफ़ी इमोशनल भी नज़र आए। शहजादा धामी का कहना है कि मैं इस शो को जो है काफ़ी मिस करूँगा, और इन सारे जो है लोग को, इन सारे कास्ट मेम्बर को काफ़ी मिस करूँगा। जितना भी जो है मैंने पल बिताया है, जितना भी एपिसोड मैंने किया है, मेरे लिए काफ़ी स्पेशल रहा है और काफ़ी खास रहा है। ऑडियंस ने काफ़ी प्यार दिया है मुझे अरमान के किरदार में, हमें ऑडियंस का प्यार को नहीं भूल पाऊंगा, और काफ़ी इमोशनल नज़र आया है शहजादा धामी। वेल दोस्तों, शहजादा धामी की इस बड़े रिएक्शन को लेकर आपकी क्या कुछ कहना है, नीचे कमेंट सेक्शन पे अपनी राय ज़रूर बताइएगा।